बैक टू द व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6 और आज हम निकल रहे हैं हमारी एडवेंचरस राइड के लिए गुड़गांव। गुड़गांव क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज आपको शायद थोड़ा सा फेमिलियर होगा कि इंडिया में कुछ बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं, तो आज उसका मोटो राइड है, तो हमको भी इन्विटेशन था उस चीज़ का। तो आज मैं गुड़गांव के लिए निकल रहा हूँ। फ्लाइट है 7 बजे की, टाइम हो चुका है 5:45 और जल्दी से निकलते हैं। लेकर जा रहा हूँ मैं अपने साथ हेलमेट, इसमें मैंने सारे गियर्स रखे हैं और उसमें मेरे राइडिंग शूज़ हैं, क्योंकि राइडिंग शूज़ बड़े थे तो इसमें आ नहीं रहे थे, तो मैं सोचा कि कम लगेज लेके जाएंगे। और जो आज का ब्लॉग है ना, बहुत ज़्यादा धांसू होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं ना वो पूरा ऑफ रोड ट्रैक है। मतलब कि आज तो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे मैं सोचता था कि बाइक मिल जाए और ऑफ रोड ट्रैक मिल जाए, वो आज सपना हम जीने जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो बहुत सारे यार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहना है। तो आज का ब्लॉग तभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो एंड तक ब्लॉग देखना, बिकॉज बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आपको भी और मुझे भी। वहाँ पे जाके क्या होगा अभी मुझे नहीं पता है। स्केड्यूल वैसे मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है कि कैसे कैसे प्लानिंग हो रखी है, पर वहाँ जाके पता चलेगा। जल्दी से निकलते हैं, कैब भी बस किसी भी टाइम आने वाली होगी, बिकॉज 7:05 की मेरी फ्लाइट है। तो निकलते हैं यहाँ से एंड मिलते हैं आपको सफ़र में। तो भाई साहब पहुँच गए हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट में और यार मौसम का क्या हाल हो गया है। पूरी धुंधे हो गई आज, मेरे को लग रहा है फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है ऐसा जो मौसम से। बस फ्लाइट डिले ना हो, बिकॉज फ़्लाइट को बस आधा घंटा ही रह गया है। जल्दी से चेक इन करते हैं। सारा हैंडबैग मेरे को ऐसे लेके जाना पड़ेगा, सब हैंडबैग में ही चला जाएगा। ओह ठंड नहीं है, पर ये है कि फॉगी वेदर बहुत हो गया है। गेट नंबर 1 जहाँ पे हमारी फ़्लाइट है, और जैसे मौसम ख़राब है ना, थोड़ा सा फॉगी है, तो वो कह रहे हैं कि फ़्लाइट अभी तक लैंड ही नहीं हुई है और 7:05 का हमारा जाने का टाइम है। अब देखते हैं, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है डिले हो जाएगा, क्योंकि मौसम ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। घर से निकलने के बाद ही पता चल गया था थोड़ा कि पूरा हेजी सा वेदर है। देखो हुआ वही कि जो फ़्लाइट है वो 2 घंटे हो चुके हैं डिले, 7:05 का हमारा टेक ऑफ का टाइम था यहाँ पे। फॉगी वेदर ही इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना यार, कि कुछ भी विजिबिलिटी, ज़ीरो विजिबिलिटी है। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो जो एयरक्राफ्ट था वो आया नहीं, यहाँ पे लैंड ही नहीं हुआ है। अब 9:30 का उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है, तो अभी तो बज रहे हैं 7:30 और अभी 2 घंटे किल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो देखते हैं, टाइम पास तो करना ही है। आज पता नहीं वेदर कैसे ख़राब हो गया, इतने दिनों से तो बहुत सही वेदर चल रहा था, पिछले 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और आज ही इतना ज़्यादा फॉगी वेदर हो गया। वी हैव रीच्ड दिल्ली और अभी मैंने कैब कर ली जहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना है। जो डेस्टिनेशन है वो है ऑफ रोड एडवेंचर जोन। ये जो 4 घंटे का हमारा वेटिंग पीरियड था ना, सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी और 9:30 का स्केड्यूल हुआ, बताओ जो 2.5-3 घंटे निकाल लेते ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। क्यों भैया जी, यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा? 45। अब यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है वो दिखा रहा है 45 मिनट्स की, और यार दिल्ली का ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मेरे को था कि सुबह सुबह हम निकल जाएंगे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं, क्योंकि रात का मेरी वापसी है, पर अब वही ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। ऊपर से दिख रहा था पूरा जाम। बाकी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है ऑफ रोड एडवेंचर जोन। क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि मोटो वॉल्ट एक कंपनी है जिसके कोलैबोरेशन करके मॉरिस मरीनी एंड जोंटिस 2 कंपनी हैं जिन्होंने अपनी बाइक्स लॉन्च करनी है इंडिया में। तो अभी तो वैसे वो एम्बार्गो पीरियड में चल रही हैं, तो जो हम इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने इन्वाइट किया है वो इसलिए किया है बिकॉज मोटो मीडिया राइड के लिए। मेरे को लगता है जहाँ तक शायद हम उन बाइक्स को चला कर देखेंगे क्या उनकी परफॉर्मेंस है कैसे, अभी रिव्यू देना अलाउड नहीं है बिकॉज वही एम्बार्गो सिचुएशन में है। तो अभी जाके देखते हैं, बाकी लेट तो मैं हो ही चुका हूँ। जो उनका रोस्टर आया था उसके अकॉर्डिंगली तो 9:45 बजे पूरा स्टार्ट हो जाना था, ब्रेकफास्ट सब कुछ था उसमें। तो 5 बाइक्स हैं जो हमने शायद आई गेस टेस्ट करनी है कि क्या है, क्योंकि पूरा ऑफ रोड ट्रैक है। एम श्योर कि आपको पता होगा ऑफ रोड एडवेंचर जोन के बारे में, काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रैक है वो पूरा। मतलब गाड़ियाँ भी टेस्ट होती हैं, एडवेंचर बाइक्स भी टेस्ट होती हैं। अब जाके देखते हैं। और यार ये दिस इज़ व्हाट आई हेट फॉर दिल्ली का ट्रैफिक। गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन ऑफ रोड एडवेंचर जोन, एंड यहीं पे इन्होंने ब्रांडिंग करी है जोंटिस एंड मोटो मरीनी। तो ये 2 कंपनीज हैं जिन्होंने मोटो वॉल्ट के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में अभी लॉन्च होना है। तो
हम जा रहे हैं मीडिया राइड के लिए, टेस्ट करने के लिए। पूरा ऑफ रोड ट्रैक बनाया हुआ है प्रॉपरली। मेरे यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं, मज़ा तो फुल ऑन आने वाला है। ठीक है, पहुँच गया हूँ ऑफ रोड ट्रैक पे और बहुत सारी बाइक दिख रही हैं। उस जोंटेस की केप, ये वाली मोटो मोरिनी एंड जोंटेस दोनों ही हैं। बाकी आगे मिलते हैं, अनुजा से मिलने हमने। और मेरे तो यार फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, देखते हैं। सब राइडिंग गियर्स के साथ आए हैं और मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट आया हूँ। यार मतलब जो सुबह मैंने इधर 8 बजे पहुँच जाना था, 8, 8:30 बजे मैक्स टू मैक्स, उसकी वजह से लेट हो गया बहुत ज़्यादा। जस्ट हैव अ लुक। तो यहाँ पे सारी ना गाड़ियों की भी टेस्टिंग होती है और बाइक्स की भी टेस्टिंग होती है। जिस पर्पज़ के साथ निकले थे, बाल हो गए मेरे पूरे ख़राब, क्योंकि अब बाइक चलाने का टाइम आ गया है। और जिस पर्पज़ के साथ निकला था घर से, वो बस कुछ ही टाइम में आने वाला है। बाइक राइड करते हैं, बैग्स को रखता हूँ मैं अंदर। ये वाली वो बाइक्स हैं जो भी लॉन्च होने वाली है इंडिया में। ये है जोंटेस और ये है मोटो मोरिनी। अब चलते हैं बाहर, टेस्ट ड्राइव लेते हैं इनकी, राइडिंग पूरी करते हैं। एम रेडी एट द फ्रंट। तो पूछता हूँ, पता है मोटो ब्लॉग अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये मोटो ब्लॉग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना विद हेलमेट। तीन बाइक्स दिख रही हैं यहाँ पे, मोटो मोरिनी की दिख रही है, जोंटेस दिख रही है, एंड सारी की सारी जितनी भी सेगमेंट की बाइक्स हैं ना, 300 cc वाली सारी बाइक्स हैं। और वो सारा का सारा ट्रैक बना हुआ है। वाइल्ड ड्राइविंग, वाइल्ड ड्राइविंग मींस यू आर कनेक्टेड ऑन योर फोन। ओके, गो फॉर इट मैन। So you can start now. Yeah, so the easiest way is to start the motorcycle is just by this. So this is keyless, right? Yeah, it's keyless, absolutely. Okay. So it will... This is the TFT. Yeah, that's how it starts. Some of the features for the bike, which is again keyless features, is your fuel cap, okay, which so opens up. And, well. so is the seat. The back seat. And the visor over here is... So if you want to go off-road, okay, you want to have the visor down, and when you are on touring, on the highway. तो ये वाला जो फीचर है गाइस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत अच्छा फीचर है। पूरी पूरी सुपर बाइक के पूरे फंक्शन इन्होंने दिए हुए हैं। एंड हाउ मच इज इट? इज 350, राइट? हाय गाइस, ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद जोंटेस ADV। तो इसकी टेस्टिंग है आज, टेस्टिंग करके देखते हैं। एक आगे बाकी पीछे न्यूट्रल है। जो इसका बेस्ट पार्ट है वो ये है कि यार इसका जो मीटर है ना, बहुत ही सॉलिड मीटर है TFT। ओहो हो, मेरा पहला ऑफ रोड। चलो एक ऑफ रोड करके आते हैं। पहले समझते हैं कि ट्रैक है क्या। ओह, थोड़ा सा हैंड्स ऑन पहले बहुत ज़रूरी है ना। मतलब मेरी बनेली होती ना तो मैं फुल ऑन यहाँ पे ना टेस्ट करता उसको। इतनी ज़्यादा बच्ची सी बाइक लग रही है ना TRK के सामने, क्योंकि TRK का जो पेट्रोल टैंक है वो भी इतना बड़ा है। उसका पेट्रोल टैंक उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो चलो, यस। ओह, डॉग था वहाँ पे। यार मेरे को तो मतलब कि पावर ठीक ठाक लग रही है। जैसे 350 cc का इसका इंजन है, तो BHP अभी उनको भी नहीं पता कि है कितनी। तो एक बार ना खड़ा के आपको आराम से बाइक दिखाता हूँ कि लगती कैसे है बाइक। यहाँ पे खड़ते हैं
मतलब गियर शिफ्टिंग भी मेरे को ठीक ठाक लगी है इसको, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो गाइस दिस इज़ जोंटे ZD वी बाइक है, मतलब पूरा ट्रैम 1200 को टक्कर देती है, इंजन वाइज नहीं खाली डिज़ाइन वाइज, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इसके सारे प्लास्टिक हैं। तो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ इसकी लगी जो रेयर डिस्क ऑयल जाते हैं ना यार, वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट कर रखे हो, कितना बढ़िया सा बना रखा है इन्होंने। छोटी सी बाइक है, कॉम्पैक्ट सी बाइक है, पावर अभी क्योंकि हम ऑफ रोड चला रहे हैं तो अभी उतना ज़्यादा पता ही चलेगा, क्योंकि ज़्यादा उसमें पता चलेगा जब ज़्यादा स्लश होगा या फिर मेन रोड पे होगा। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है, जैसे इसका टैंक है, ये इसकी सीट है, तो ये बस एक पुश के साथ ही खुल जाती है। इसको हमको बंद करके ना, यहाँ से बंद करके, और ये देखो खुल गया टैंक, और इसको बंद। और मतलब पूरे ना इन्होंने 300 सीसी के अंदर, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी बाइक देखी है 300 सीसी के अंदर इन्होंने पूरे फीचर्स दे रखे हैं, आज तक किसी ने भी नहीं कोई बाइक में दिए हुए। BMW में भी मेरे को लग रहा है इतने ज़्यादा फीचर्स होंगे नहीं, क्योंकि इसका जो ये जो इसका आगे वाला विंडस्क्रीन है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है यार, बताओ। और क्या चाहिए, देखो यहाँ से बस एक टच के साथ नीचे, अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो, ऑन रोड पे हो, सामने बहुत ज़्यादा हवा है तो आप इसको ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे एक्सटेंडर भी लगवा सकते हो। और बहुत सारे इन्होंने देखो फीचर्स दे रखे हैं, मोड्स भी हैं इसमें सेट करने के लिए, ये पीछे सीट के लिए सीट खुल गई है, ये देखो यहाँ से करेंगे तो फ्यूल वाला खुल जाएगा, खुल रहा है वो वरना ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ये सारे फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं छोटी सी बाइक में, 350 cc की बाइक में, मतलब कि। और यार सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो इसके अलॉयज़ हैं ना, मतलब ये जो उसके स्पोक व्हील्स हैं वो विद ट्यूबलेस टायर जाते हैं। होता क्या कि जो स्पोक्स हैं ना, देखो इसके बाहर निकले हुए हैं, टायर अंदर है स्पोक्स पाए, तो ये स्पोक्स वो ट्यूबलेस हो जाते हैं। तो ये मैं अपने TRK में भी यूज़ कर सकता हूँ अगर कंपेटेबल होगा, क्योंकि TRK में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें है नहीं। चलो आगे चलते हैं, अब लेते हैं मोटो मरीनी। यहाँ कराते हैं, मतलब यहाँ पे ना पूरा भंडार लगा हुआ है सुपर बाइक से, कौन सी चलानी है बताओ। तो गाइस दिस इज़ मोटो मोरिनी एक्सकेप, और ये इसका टॉप एंड मॉडल है। तो ये अभी वैसे तो लॉन्च नहीं हुई है, एम्बेरगो में है, तो ये 650 cc में है, तो इसको चलाकर देखते हैं, भैया बनाएंगे वीडियो, हम चलाएंगे बाइक। ओहो 650 में है तो भाई पावर तो पहले गियर में पता चल गई है, थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं इसका। क्योंकि वहाँ पे जब जंप हो रही है ना, उसकी क्या वीडियो आने वाली है, अब आप चेकआउट करना। लंच बहुत स्वाद लंच था, और यार सराउंडेड विद फुल ऑन सुपर बाइक्स, देखो सारे जोंटेस की बाइक्स हैं, जोंटेस मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी बाइक्स हैं। मतलब अगर डिज़ाइन देखेंगे ना इसका, तो बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन है किया हुआ। और जो इनका मास्टर स्ट्रोक बाइक है वो ये वाली बाइक है, AD की बाइक है 350। इसका जो टॉर्क है वो अराउंड होगा आई गेस 30 के अराउंड तो होना चाहिए इसका टॉर्क, क्योंकि फीचर्स ही यार बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे दे रखे हैं इन्होंने। फीचर्स के लिए अलग ब्लॉग बनाऊँगा, पूरा डेडिकेटेड व्लॉग होगा इसके बाद आएगा, तो वो देख लेना आप। तो सुबह से निकला था तो वो जो वेट किया ना हमने यहाँ 4 घंटे चंडीगढ़ एयरपोर्ट में, मेरे को लग रहा है कि वो पूरा का पूरा ना पैसा वसूल हो गया है यहाँ पे आ गया, जो हमने पूरा किया है ना। एंड ये है अपने भाई किंग इंडियन। तो जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, मेन तो यार ये है कि ऑफ रोड ट्रैक में हमको मतलब कि ना बाइक अच्छे से चलाने को मिली है, कि जैसे बाइक होनी चाहिए ना। एंड अभी गर्मी लग रही है, मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा हूँ अभी, इसलिए मैं ट्रैक पे अभी वापस गया नहीं हूँ, वरना इसके बाद फिर से
बैक टू बेसिक्स होंगे, बैक टू ट्रैक जाऊंगा और थोड़े से और कुछ स्टंट्स करेंगे। अब मौका मिला तो फिर छोड़ना तो है नहीं बिल्कुल भी, मौका चंडीगढ़ में तो मिलता नहीं है। तो ये प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रैक्स इसके लिए होते हैं, जैसे गाड़ी के लिए हो गया, बाइक्स के लिए हो गया। तो सारे के सारे यहाँ पे रिव्यूज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। मैं वैसे अकेला हूँ यहाँ पे, मोस्टली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए हैं वो सारे अपने साथ कैमरा मैन लेकर आए हैं, और हम अकेले आए हैं चंडीगढ़ से। दो साउथ से हैं, बाकी सारे लोकल हैं। हम अकेले आए हैं तो मेरे साथ तो अभी कोई है नहीं, तो हम इनको, मैं इनको ही बोल रहा हूँ कि भाई पूरे रील्स रूल्स अच्छे से बनाओ। तो होप करता हूँ कि आपको जितने भी आपने शॉर्ट्स देखे हैं ना वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो अभी 5-10 मिनट रुकता हूँ, खाना खाया अभी, उसके बाद फिर बैक टू बाइक। तो गाइस इनको तो आपने पहचान लिया होगा, इज़ किंग इंडियन। ये देखो रिव्यू कर रहे हैं बाइक, मतलब बहुत अच्छी रिव्यू करते हैं। ऊपर चलते हैं और यार क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रही है इस बाइक की। तो ये चलो, साहब पूरा चढ़ गया। आई एम ऑल डन विद दिस ऑल द सुपर बाइक्स। मतलब मज़ा आ गया यार, वॉट अ डे इट वॉज यार, एकदम क्वालिटी डे। मतलब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी सारी सुपर बाइक्स के इर्द गिर्द हम घूमेंगे और यार इतनी बड़ी बड़ी बाइक चलाने को मिलेगी। मतलब पूरी की पूरी ऑफ रोड हमने पूरा अच्छे से टेस्ट किए हैं इन बाइक्स को, पूरी स्किट मार के। ये अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो वाला ब्लॉग देखना। बाकी ये वाली जोंटिस की बाइक्स खड़ी हैं, इसका ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है ये वाली बाइक का, जोंटिस का। और वो खड़ी है मोटो मोरिनी की एक्सकेप, जो कि पूरी की पूरी अफ्रीकन ट्विन लगती है। ब्लॉग इस ब्लॉग के बाद आएगा, तो पूरा का पूरा डिटेल समझाई हुई है कि वाली बाइक्स कैसी हैं। और भी बहुत सारी बाइक्स थी, बाकी नेकेड बाइक्स थी, तो वो 350cc में ही है, उसका ब्लॉग नहीं बन पाया बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी। बाकी यहाँ से निकलते हैं यार, अब निकलूँगा मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज फ़्लाइट भी मेरी स्केड्यूल होगी है 10 बजे की, और अभी 5 बज रहे हैं। अब 5 घंटे कैसे निकालने हैं तो मुझे पता नहीं, हाफ़ एन आवर लगेगा यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने तक, तो वहाँ तक तो टाइम निकल जाएगा। बाकी अभी गियर्स पहने हुए हैं सारे, इसको चेंज करता हूँ फिर आपको मिलता हूँ गाइस चेंज करके। बोलते ना बस हो गई है, पीठ की बैंड बज गई है। 2-2.5 घंटे से हम एडी भी बाइक चला रहे हैं, और अब तो अब मैंने गेयर्स उतार दिए, कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अब ना थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है बिकॉज गेयर्स के साथ इतना ज़्यादा हैवीनेस फील होता है ना। एक तो बूट्स भी इतने ज़्यादा भारी हैं, तो ऊपर से क्या इतनी गर्मी है, और उसमें स्कॉचिंग हीट में हमने इतनी बाइक को चलाना था। तो यहाँ पे अब सारी बाइकें वॉश हो रही हैं, और ये वाला है ऑफ रोड एडवेंचर जोन गुड़गांव का। मज़ा आ गया यार, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। मतलब अभी तक जो मैंने बनेली पे ट्राई नहीं किया था वो मोटो मोरिनी पे ट्राई किया, बताओ। तो आई एम श्योर कि गाइस कि आपको भी मज़ा आया होगा आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, अभी भी चलेगा क्योंकि अभी हमने चंडीगढ़ वापसी जाना है, फ्लाइट मेरी 10 बजे की है, तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होना है, पर बहुत मज़ा आने वाला है। तो होप करता हूँ कि अभी तक आपको मज़ा आया होगा। कौन से पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने जो बाइक की गंदी कर दी है ना ऑफ रोड कर करके कर कर, अब टाइम आ चुका है उनका धुलने का। वहाँ पे बाइक धुल रही हैं और यहाँ पे भैया जी धो रहे हैं। बाकी मैंने भी कैब करवा दी है, अभी 4 मिनट में अंदर ही आ जाएगी वो। तो शुगर है कि ये वाला जो जोन है वो जस्ट इजी एक्सेस है फ्रॉम मेन रोड, वरना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता मुझे तो। यहाँ पे जितने भी आए राइडर्स आए थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए थे, वो सारे दिल्ली से ही थे। एक मैं था चंडीगढ़ से, और शायद 2 और थे वो साउथ से आए थे, बाकी हम 3 ही थे जो बाहर से आए थे, बाकी सारे के सारे लोकल हैं। जितने भी आए ना वो ब्रेक में आए थे और चले गए सारे, अब मैं ही रह गया हूँ अकेला। 4 घंटे कैसे निकालने, बस आप लोगों से बातें करते हुए निकाल देंगे। एंड मोटो वॉल्ट की तरफ से हमको मिला ये, घर जाके अनबॉक्सिंग करूँगा इसकी, इसके अंदर क्या है। अभी तो बिल्कुल भी हालत हो नहीं रही है, अब तो बस ऐसा है कि बस बैठ जाएं। अब गाड़ी में ना रिलैक्स करूँगा, आधा पौना घंटा, 1 घंटा जितना लेना है जाम ने उतना ले लें, 3-4 घंटे जितने हैं आज हमारे पास खुला टाइम है। मिल चुकी है कैब, और अभी टाइम हो रहा है 4:45, फ्लाइट है 9:55 की। टाइम कैसे पास होगा पता नहीं, भैया स्लो स्लो ही लाना आप, 1 घंटे में पहुँचाओ कोई बात नहीं। और दिल्ली में भैया जी ऐसे बोल रहे हैं, एक रूल हो गया, जो पीछे बैठोगे ना अगर कोई पैसेंजर बैठेगा तो उसको भी सीट बेल्ट लगानी है। वैसे तो बहुत अच्छा रूल है यार, चलान भी अभी है इसका। हाँ जी चलाना 1000 रुपये है। ये खाली दिल्ली में ही है? हाँ दिल्ली में, गुड़गांव में। कमाल हो गई यार, चंडीगढ़ में नहीं है ऐसा। चलो यार अच्छा इनिशिएट है दिल्ली गवर्नमेंट से। बाकी अभी सनराइज ही है, सनसेट हुआ नहीं है। कितना टाइम लग जाएगा भैया जी हमको यहाँ तक, वहाँ तक? सर यहाँ से लगेगा अभी करीब हमारे को 1 घंटा। 1 घंटा आराम से रेस्ट करने वाला हूँ, जो सुबह की हमारी रेल लगी है ना, पर मज़ा भी फुल ऑन आया है। अब पूरे 4 घंटे मिले, आराम से रेस्ट करूँगा। एयरपोर्ट पे पीछे जाना है अपने।
ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ ना इतना ज़्यादा, पूरा एयर कार पीछे से भर चुका है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो चुकी है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, टाइम देख लो हो चुका है अभी 9:30 हो गए हैं और 9:50 पे ये यहाँ से डिपार्चर होगा, 12 बजे पहुँचूँगा घर 12 बजे। जो ये वेट करने का वो पीरियड होता है ना यार, वो बहुत ही बेकार लगता है, और वो भी आइडल वेट करना। वैसे वेट करना हो तो चलो ठीक है, समझ भी आती है, एकदम तो आइडल कुछ है ही नहीं है काम करने को। फाइनली रीच्ड बैक होम सेफली, मतलब जहाँ से हमने ब्लॉग की शुरुआत की थी वहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है। बाकी आज के दिन की अगर बात करेंगे ना तो स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो जो पहले 4 घंटे का डिले था और जो शाम को 4 घंटे का डिले, इसने मेरे को ज़्यादा थकाया, और वहाँ पे राइडिंग करते हुए कोई थकावट नहीं हुई है। बाकी यार बाइक की परफॉर्मेंस तो एक नंबर है, मतलब मोटो मरीनी चलाने के बाद जोंटिस की थोड़ी परफॉर्मेंस कम लग रही थी। ऑब्वियसली बात है वो 650 है, ये 350 है, मैंने पहले चलाई थी 350 जोंटिस की तो वो ठीक लग रही थी उस टाइम पे पावर, पर जैसे ही मैंने केब चलाई, मतलब मोटो मरीनी चलाई, मोटो मरीनी एक्स केब 650, उसके बाद तो भाई साहब जोंटिस चलाने का मन ही नहीं किया, बिकॉज दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, ऑल्दो कि दोनों ADB बाइक्स हैं। बाकी यार डिज़ाइन पार्ट के लिए तो जितनी भी ये इटालियन कंपनीज़ हैं और चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, ये इंडियन कंपनी को पूरा पूरा टक्कर दे रही हैं। मतलब जो फ्यूचर है ना इंडियन बाइक्स का, वो एकदम ही चेंज होने वाला है, जो जितनी भी बाहर की कंपनीज़ आ रही हैं। आप देख लो कि 350cc में उन्होंने पूरी सुपर बाइक्स वाली फ़ीचर्स दे दिए, इवन कि TR की 502 एक्सपेंडियर 350cc में, मैं तो हैरान हो गया वो देख के, सारे के सारे मतलब कि विंडशील्ड भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑल्दो अगर बात की जाए ना तो यार बाइकें तो बहुत ही अच्छी हैं, तो अभी वैसे इंडिया में लॉन्च हुई नहीं है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में लॉन्च हो जाएंगी, उसके बाद ही हमको पूरा प्राइसिंग का पता चलेगा कि किस किस प्राइस रेंज में। अभी जितना भी आप प्राइस का सुन रहे हो वो सारा का सारा एस्टिमेटेड है, गेसेस हैं कि हो सकता है कि एक इस प्राइस रेंज के बीच में हो सकता है, बाकी वो तो तभी पता चलेगा जब कंपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर रिवील करेगी। तो आई होप गाइस कि आपको आज के व्लॉग में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा बाइक्स के बारे में भी, और जो ऑफ रोड एडवेंचर जोन है उसके बारे में, तो मज़ा आ गया, बाइक को फुल ऑन हमने रोर कराया, और फुल ऑन मेरा तो फर्स्ट टाइम था ऐसा ऑफ रोड में, कैट 10 में से 10 नंबर है ऑफ रोड को। बाकी होप करता हूँ गाइस कि आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको आज के ब्लॉग में अच्छा लगा है। बाकी मिलते हैं गाइस आपको बहुत ही जल्द एक न्यू ट्रिप पे, न्यू ब्लॉग की सीरीज़ के साथ। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।